आप सभी का सी ई प्लस 450 यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे लेजर जेट प्रिंटर होते हैं उनमें कुछ दिनों के बाद काम करने के बाद में उनकी जो प्रिंट आती है उनके प्रिंटर में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आने लगती है। ब्लैक पेपर आउट होने लगता है, ब्लैक धब्बे आने लगते हैं, या सेम डिस्टेंस पे डॉट आने लगता है, या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ब्लैक लाइन आने लगती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम कैसे फिक्स करेंगे आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड वीडियोज को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह की जो ये प्रॉब्लम आती है वो हमारे प्रिंटर के कार्टेज की वजह से आती है। तो इस वीडियो में हम इसी को फिक्स करने वाले हैं और वो भी घर पे हम कैसे फिक्स करेंगे आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें इसका जो ड्रम है उस पर एक डॉट है, तो इस प्रिंटर में डॉट की भी प्रॉब्लम आ रही है, सेम डिस्टेंस पे डॉट भी आ रहा है और ब्लैक भी इंक ज़्यादा जा रही है उसके पेपर पे, काला पेपर हो जा रहा है। तो इसको हम ओपन करेंगे पहले। यहाँ पे दो स्क्रू, हम दोनों स्क्रू को खोलेंगे। स्क्रू निकालने के बाद में ये यहाँ पे हमको दो पिन मिलेंगी जो कि दोनों साथ लगी होती हैं। इसको हम किसी ट्वीजर की मदद से या पतले पेचकस की मदद से हम उसको निकालेंगे। एक ये है और एक दूसरी तरफ लगी होती है, इसको नीचे पुश करेंगे तो हल्की तो ऊपर आ जाती है, फिर हम ट्वीजर से या फिर पिंच की मदद से निकाल सकते हैं सारी। हमारी एक तरफ की खुल गई है और तो दूसरी तरफ की भी निकालेंगे। हमारी कार्टेज आसानी से अलग हो जाएगी दो भागों में। यहाँ पे कार्टेज दो भागों में हो गई है। ये जो पार्ट है इसमें हमारा टोनर का जो पाउडर होता है वो भरा हुआ होता है। और ये जो हमारा पार्ट है इसमें हमारी जो वेस्ट इंक होती है, सॉरी पाउडर जो होता है, हमारा खराब पाउडर होता है, वो इस तरफ आकर के जमा हो जाता है इसके नीचे। तो हमारे इसमें ड्रम में ये प्रॉब्लम है, तो हम इसको ड्रम को चेंज करेंगे। और ये हमारी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये लाइन हमारे प्रिंट में बन करके आ रही है, वो ड्रम अच्छे से क्लीन नहीं हो रहा वो डॉट की वजह से। तो ये लाइन हमारे रोडर जो है प्रेशर रोडर, उस पर भी हमारी ब्लैक लाइन बन गई है, तो हम इसको निकालते हैं। इसका ड्रम का लॉक रहता है, इसको निकालने के बाद हमारा ड्रम बहुत ही आसानी से निकल जाएगा बाहर। अगर सेम डिस्टेंस पे डॉट आता है आपके प्रिंट आउट में तो ये ड्रम की प्रॉब्लम की वजह से होता है। आप ड्रम चेंज करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। और अगर आपके प्रिंट में हॉरिजॉन्टल लाइन आती है या ब्लैक पेपर होने लगता है, प्रिंट क्वालिटी सही नहीं आती है, तो वो हमारे इसके जो जो वाइपर ब्लेड होता है उसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वाइपर ब्लेड कहाँ पे है। यह हमारा ये प्रेशर रोलर है, तो क्लीन कर लेंगे। आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये फटा हुआ है, कट चुका है, यहाँ पे हमको इसको भी चेंज करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे
तो ये कटा हुआ है, तो इसको भी चेंज करेंगे, ड्रम भी चेंज करेंगे। अब हम देख लेते हैं इसकी वाइपर ब्लेड जो है वो ठीक है या वो भी खराब हो चुकी है। तो ये हमारी वाइपर ब्लेड है, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये जो हमारे ड्रम जो होता है उसको क्लीन करने का काम करती है ये ब्लेड। इसको साफ कर लेते हैं। ये भी कार्टेज न्यू है, ज़्यादा यूज नहीं की गई है और इसके डॉट की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से इसको खोलना पड़ा हमको। हमने इसको भी अच्छे साफ कर लिया है, इसको फिर से फिक्स कर देते हैं। हमारी वाइपर ब्लेड ठीक है एकदम, तो हम सिर्फ इसके प्रेशर रोलर को और इसके ड्रम को चेंज करेंगे। तो हम ये नया वाला लगाएंगे इसमें। तो हमने वाइपर ब्लेड लगा दी है, अब हम प्रेशर रोलर को लगा देते हैं। इसको हम देख करके पैक करेंगे, जिधर गियर होता है हम गियर को गियर से मिला के लगाएंगे, तो आसानी से पैक हो जाएगी। तो यहाँ पे भी पिन से लॉक कर देते हैं हम इसको, फिर उसके बाद में इसके स्क्रू लगाएंगे। हमारी कार्टेज पैक हो चुकी है, हम स्प्रिंग को लगा देते हैं, ये कवर के ऊपर लगी रहती है। तो ये हमारा पैक हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपकी प्रिंट में सेम डिस्टेंस पे डॉट आता है तो आप ड्रम को चेंज करेंगे, अगर पेपर ब्लैक आता है
या पर्टिकल लाइन आती है, पेपर में प्रिंट क्लीन नहीं आती है, तो आप वाइपर ब्लेड को चेंज करेंगे, आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।